वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 3, टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चोरों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वैसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ली ले आए? मेरी बात उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मुझे वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बेबी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मसले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई जिसने जीवन बदल दिया, उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही वहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया, 5 साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे काटने की कोशिश करने लगे। मैंने पीसना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव ज़मीन पर गहरे खड़े हैं, ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वह अब सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार ये सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इस वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आज माने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी है, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मत क्या, टकरा कर टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च का धंधा शुरू कर दिया। चोराने पर यह मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छा रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपनी ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव गड्ढों में फिट जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयंकर अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर पर भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो ये देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। बर दोपहर में वह अंधेरे के
के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, लोग डर जाते। तब मैं, भाइयों ये सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टोच में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी बात सूरज छाप टोच खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वह दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया या सब वह इस असर संसार में ही नहीं है। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चल रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुक बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वह खूब पुष्ट है, सवारी हुई लंबी दाढ़ी और पीठ पर लहराते लंबे केस हैं। मैं भीड़ के कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्हें गुरु गंभीर वाणी के प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश में किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे थे। मैं कह रहे थे मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसने भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग है अंधकार में है, ये सर्वगरी अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उधर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वह उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से ग्रस्त है। इसी तरह मैं बोलते गया और लोग स्वस्थ सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी, एक दो बार दबते दबते भी हंसी फूट गई और पास के श्रद्धाओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की खिंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंदर में खोजो, अंदर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही समृद्ध ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे श्रद्धा मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया है कि वहाँ ड्राइवर है। बगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट देखा। मैं वैभव को देखकर मैं थोड़ा हिचकिचा, पर तुरंत ही मैंने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अंतिम कर्म है।
मैंने कहा, साले फिलासफी मत घगार, ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 साल में। मैंने पूछा, तुम इन सवालों में क्या करते रहे? मैंने तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तूने भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरा का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोग को अंधेरा का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्योंकि इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नहीं है, संतान है। मैं पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने नमूने के लिए एकत टॉर्च तो दिखा, सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। मैं बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की फैक्ट्री को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा अंधा धंधा करेंगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ। ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।